हेलो हेलो, जी गुड इवनिंग। संजय बोल रहा हूँ, गाजियाबाद से। बात कर सकते हैं? कुछ जी डिस्कस करना था। जी जी बताइए। हाँ, ऐसा लगता है कहीं बिजी आदमी है, डिस्टर्ब ना कर दिया। नहीं मेरे को भी दिन भर आते रहते हैं बिजनेस कॉल्स। अच्छा अच्छा, अपनी ये चौथी बार बात हो रही है, दो बार किसी ग्रुप में और दो बार प्राइवेट बात। ठीक जी है, आपके बहुत सारे पढ़े भी हैं और देखे भी हैं यूट्यूब पे जी जी आर्टिकल। अभी रिसेंटली आपने दो कन्वर्सेशन भी भेजे थे और पहले भी मैंने शुरू किया था, आपने जो मेरे को बताए थे। पर 5-6 दिन बाद क्या है कि जब दवाई बंद किया ना, 5-6 दिन बाद शुगर 400 के ऊपर पहुंच गया। और मेरा काम जो है मार्केटिंग का है, मेरे को जबरदस्त टेंशन होती है, तो जब दोनों तरफ की टेंशन होना तो बर्दाश्त से बाहर होता है, तो मैंने फटाफट दवाई शुरू कर दी थी। अभी मैं 1 हफ्ते से फिर कर रखा हूँ, दवाइयां बंद कर दी है और आपका वाला फॉर्मूले पे चल रहा हूँ। ठीक है, बट फिर से शुगर इंक्रीज हो रहा धीरे धीरे। कितना? खाना खाने के बाद वाला 439 था नहीं, आज तो बहुत का, ज्यादा है। और क्या नाम है, फास्टिंग वाला 234 था। एक मिनट होल्ड करिए, एक कॉल आ रही थी बीच हाँ, हेलो। में। हेलो, हाँ जी, बोला सर। तो आप बता रहे थे 400 से ऊपर पहुंच गया। हाँ, आपकी खाना एज खाने के कितनी बाद है वाला, मेरी एज है 45-46। और आपको कितने साल से डायबिटीज है? ये है 9 साल हो गया। और आप मेडिसिन लेते हैं? हाँ, मेडिसिन लेता था। मेडिसिन के साथ में कितनी रहती थी? मेडिसिन के साथ में क्या नाम है, 125-30 जैसा मॉर्निंग का और 140-150 जैसा खाने के बाद। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपने पहले 4-5 दिन किया था तो 400 पहुंच गई थी, उसके बाद हाँ, में आपने दवाई लेना शुरू किया, तो कितने दिन के अंदर वापिस 125-150 के बीच में आ गए थे? 2 हफ्ते में। आप खाने में कितना खाना खाते हैं दोपहर को? देखिए, अभी जब से आपके वाले फॉर्मूले पे आया तो पहले तो जानबूझकर रिस्ट्रिक्ट भी करता था, लेकिन अभी खा लेता हूँ। और चावल और मीठा तो मैंने बंद ही रखा अभी भी, थोड़ा आम खा लेता हूँ आजकल थोड़ा बहुत, और कितना कभी 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 दोपहर में चाय, कभी एक आम कभी दो आम बस। आपने बताया आज जैसे 439 या कुछ ऐसे था, तो क्या ये कभी भी नीचे नहीं आता है क्या? कभी कभी आ जाता है, कभी कितना? कभी थोड़ा नीचे रहता है। ये जब जब का है ना आज का, तो मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच चावल लिया था और एक आम भी साथ में खाया था, तो मैं समझता हूँ कि एक 100 यूनिट मिनट, उसका होगा। नहीं, एक मिनट, आप जो खाना खाते हैं वो बात रह गई कि कितना खाते हैं, कितनी रोटी खाते हैं आप? आजकल कभी 4 रोटी, जैसे रात की बात बताऊं तो रात को मैंने 5 रोटी खाई थी ठीक है, ओके, साथ दैट में इज, सब्जी। हाँ वो तो सिर्फ आइडिया के लिए था। हाँ, आज सुबह 4 रोटी खाया था। आपका वेट कितना है? मेरा है 60 किलो। ओके इससे पहले 2 अप्रैल में, अप्रैल में मैंने एक नए डॉक्टर से दिखाया था, कंसल्टी ली थी, और जब मैं लास्ट टाइम बात भी किया था ना, उससे लगभग 1 महीना पहले ही बात किया था, वो कंसल्टेंसी ली थी डॉक्टर से, दूसरे डॉक्टर से। तब उस टाइम पे मेरा 63-64 था, 63+ था। उसने कुछ दवाई देकर वेट मेरा घटा के 60 कर दिया। मैं बाद में उसको जब मैं ऑब्जर्व किया, तो मेरे घर में है मशीन, मैं डेली कभी ना कभी खड़ा हो जाता हूँ उस पर, तो मेरे को एक दिन अचानक मैंने कहा वेट कैसे घट गया। मैंने नेक्स्ट विजिट उसमें कंसल्टेंसी में डॉक्टर को बताया, तो बोला कि वो ठीक है, मैंने दवाई दे रखी है वैसे, तो 60 करके वो कर दिया, तभी 60 पे ही चल रहा है। पर आप अगर दवाई के साथ इतना ज्यादा कंट्रोल करके रखते हैं तो इतना ज्यादा शूट अप क्यों करता है 5-6 दिन में? आपने 9 साल से है ना डायबिटीज आपको, हाँ तो 9 साल में, अच्छा एक चीज बताइए, आप कभी ड्रिंक करते थे? हाँ मैं करता था, अभी भी अभी भी करते करता हैं? हूँ, अभी भी करता हूँ। अब पहले कितना करते थे, अब कितना करते हैं? देखिए, मैं बेवड़े जैसा, अगर ऐसा रफ लैंग्वेज है, पर बेवड़े जैसा मैंने कभी नहीं पिया वोकेशनली। तो अगर पहले नहीं, की बात बोले, पहले की बात बोले तो हफ्ते में, एक हफ्ते में 2-3 पैक या ज्यादा से ज्यादा एक पौवा। एक पौवा में मेरे को बहुत ज्यादा नशा हो जाता था, तो पौवा से थोड़ा कम ही रखता था। कभी बहुत वैसे है तो एक पौवा, चलो क्या एक चम्मच लास्ट वाला बचा दू, थोड़ा सा रखा रहेगा इसलिए वो भी डाल के पी जाता था, तो मैक्सिमम एक पौवा, ठीक है। और अभी हफ्ते में एक बार। और अभी बहुत ही कैजुअल हो गया है, नहीं कितना? पीता हूँ। ये पीता हूँ तो वही क्या नाम है, हाफ क्वार्टर, या नहीं पी रहा अभी। नहीं अभी नहीं ऐसा नहीं है कि अगर पीते अभी, हैं तो कितना इंटरवल पे पीते हैं, जो भी एवरेज क्या आ रही है, कितने महीने में या कितने हफ्ते में?
ऐसा तो कहना बहुत मुश्किल है, आप महीने में एक बार बोल सकते हैं, एवरेज बोल रहे हैं बस, एवरेज मतलब हाँ, तो चार महीने लगा लीजिए, साल में कितनी बार पिया होगा? देखिए लॉकडाउन में पूरा बंद था, लॉकडाउन खुलने के बाद मैंने 3 बार पिए हैं बस, 3 बार, एक एक पौवा मान लीजिए। और लास्ट टाइम जब आपने 4-5 दिन के लिए आप कह रहे हैं कि हमारा फॉलो किया था, तो आपने हाँ। उसमें ड्रिंक वगैरह क्या पोजीशन? नहीं, उस टाइम में ड्रिंक बंद था, लॉकडाउन में मिल नहीं रहा था, बंद था। नहीं, पर आपने तो काफी पहले किया था ना फोन, तो कब किया था आपने पहली बार? नहीं, मैं आपको फोन मैंने मेरे ख्याल से अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में किया था। ओके, अच्छा उस समय भी बंद था। हाँ देखिए अभी मेरा जो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, दैट इज एल्कोहल और इसमें डायबिटीज में क्या लिंक है। अभी का जो लेटेस्ट एक 20 साल का लड़का है, उसने 5 महीने के लिए ड्रिंक किया था, वो भी हफ्ते में एक बार ही, वो भी 2-3 पैक। हाँ। और 5 महीने के लिए किया था, उसका पीरियड था दिसंबर 18 से लेकर अप्रैल 2019 तक। हाँ। उससे पहले उसको किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी, डायबिटीज वगैरह की कुछ भी नहीं था, एकदम नीट एंड क्लीन था। अप्रैल में उसने बंद किया और सितंबर में उसका ब्लड शुगर बहुत हाई था, तो डॉक्टर ने उसको इंसुलिन पर डाल दिया। अब उसका हाल यह है कि इंसुलिन 25 यूनिट लेने के बाद दिन में उसका ब्लड शुगर अभी भी 300-400 के बीच में रहता है। अभी आज 7वां दिन है उसके ऊपर काम करते हुए, तो उसको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और ये सब कराया, तो उसका जो मॉर्निंग का पहले आई थिंक फर्स्ट डे या सेकेंड डे से उसका जो इंसुलिन है 25 यूनिट से कम करके 10 यूनिट कर दिया। नहीं, पहले दिन शायद 15 यूनिट किया था, पहले दिन या दूसरे दिन 15 किया था, 15 के नेक्स्ट डे मतलब थर्ड डे ऑनवर्ड्स या सेकंड डे ऑनवर्ड्स उसको 10 पर कर दिया। तो उसका जो ब्लड शुगर मॉर्निंग में आता था वो 120 130 140 ऐसे आने लग गया। तो उसका 4-5 दिन यही कंटिन्यू किया, परंतु डे में जैसे ब्रेकफास्ट किया तो उसके बाद शूट अप करके 500 तक पहुंच जाता था। और उसके बाद में डे 5 से उसको एल्कोहल दोबारा चालू करा दिया। डे 5 में एल्कोहल लिया, तो एल्कोहल लेने से पहले नहीं, एल्कोहल लेने से 2-3 घंटे पहले जो ब्लड शुगर थी दैट वाज 500 समथिंग। एल्कोहल 3 पैक लिए, 3 पैक लेने के बाद में डाउन होकर आ गई 280। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग था, शायद 6 डे मॉर्निंग में था, 200 कुछ करके था। फिर उसके बाद कल डे टाइम में ज्यादा किया नहीं, शायद एक आध बार किया होगा, ज्यादा नहीं किया। फिर कल भी ड्रिंक किया था तो आज मॉर्निंग में 300 आया था। उसका ट्राई करने के पीछे कारण था कि मेरा जो बेसिकली मानना है कि जो डायबिटीज होती है उसमें सेल्स के अंदर पानी बढ़ जाता है, और जितना आपके सेल्स में पानी बढ़ेगा उतना प्यास लगेगा। आपको प्यास क्या क्या सिचुएशन है, आप दिन में कितना पानी पीते हैं? दिन में तो जो आपने जैसे बताया था ना खाने से, नहीं वो नहीं, वैसे कितना पीते थे पहले? हेलो, ये मेरे से बात करने से पहले आप कितना पीते थे? देखिए आपसे कहने से पहले मैं पानी बहुत पीता था, ये समझ लीजिए कम से कम 3 लीटर या इससे ज्यादा ही, मेरे को बहुत प्यास लगती थी और थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीता था बहुत ज्यादा। ठीक है। हाँ। अब आपको मालूम है अल्कोहल डिहाइड्रेट करता है। हाँ। और ये प्रॉब्लम जो होती है ना, ये प्रॉब्लम वो नहीं होती कि आपने पानी पिया और आपके कहीं पर डाइजेस्टिव ट्रैक में वो पानी नहीं होता, ये पानी सेल में चले जाता है। सेल में गई हुई कोई भी चीज आसानी से बाहर नहीं आती और ना ही आसानी से सेल में जाती है पहली बार तो। एल्कोहल जो होता है वो सीधा सेल में जाता है और सेलुलर लेवल पर डिहाइड्रेट करता है। जब भी हम एल्कोहल लेते हैं और एल्कोहल के साथ में पानी ना लें, मतलब एल्कोहल में पानी ना डालें, तो उसके बाद जल्दी जल्दी पेशाब आने लगता है, और पेशाब आता भी बहुत खुल के है, बहुत ज्यादा पेशाब आता है। और दूसरा, उससे पहले एक्सपेरिमेंट हम घर में भी कर चुके थे, हमारे घर में भी किसी को एल्कोहल का आदत था, तो उसका ब्लड शुगर 25 साल की एज में ब्लड शुगर बढ़ने लगा, कभी 200 हो जाता था, कभी 250 हो जाता था, और कभी नॉर्मल भी हो जाता था, 100-120 भी आ जाता था। वो कभी बदर नहीं किया, पर हमारा थ्योरी आज से नहीं, करीब कई साल से बना हुआ है कि हम ज्यादा पानी पीते हैं जिसकी वजह से हमें डायबिटीज होती है। फिर अभी 2-3 महीने पहले की बात है, उसका ब्लड शुगर जो है वो 450 पहुंच गया, और इतना ब्लड शुगर आने के बाद में उससे बात हुई, तो मतलब उसको मालूम था कि पानी कम करना है और इसी की वजह से होता है, तो ही सेड कि मेरे से पानी कम नहीं हो रहा, अगर मैं आधे घंटा भी पानी नहीं पीऊं तो मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैंने कहा ठीक है तुम ट्राई करो, 2 दिन मतलब 2 दिन का टाइम दिया उसको कि भाई तुम ट्राई करो पानी कम करने का, तो शायद ब्लड शुगर नीचे आ जाए, तो वो नहीं कर पाया।
फिर उसके बाद जब कुछ भी नहीं हो रहा था और इतना कंटिन्यूसली ज्यादा बना हुआ था सिचुएशन, तो यही आ गई कि उसको मेडिसिन या उसके ऊपर डालना पड़ेगा। तो अब उसका एल्कोहल इंटेक ज्यादा होता था, बट उस पीरियड में नहीं था, जैसे 20-25 दिन से नहीं पिया था, उससे पहले भी गैप आ जाता था, घर का प्रेशर होता है ना पीने के लिए, ना पीने के लिए। सो उस समय फिर उसको बोला कि एक क्वार्टर लो और नीट लो, नीट का मतलब आइस क्यूब डाल लो, पर पानी मिनिमाइज होना चाहिए, 20-25 ml से ज्यादा नहीं हो एक उसमें पैक में। तो एक घंटे के बाद उसका ब्लड शुगर जो है 120-125 पॉइंट गिर गया, एक घंटे के बाद नहीं सॉरी, ड्रिंक करने से पहले और बाद का मेजर किया था, तो वो इतना गिरा। तो उसके बाद में उसको यही समझाया कि भैया तुम ड्रिंक अब दोबारा से शुरू कर दो, और एल्कोहल छोड़ने का जो प्रॉपर तरीका होता है वो होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके उसको टेपर ऑफ करते जाओ। टेपर ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप हफ्ते में 2 दिन पीते हैं तो आप हफ्ते में 1 दिन कर दें या उस तरीके से करें। जब भी आप एल्कोहल लेंगे तो जो क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल होगी उसको टेपर ऑफ करना है। आप रोज लीजिए, और जैसे आप 3 लेते हैं, 90 लेते हैं, तो 90 में से आप हर वीक में 5-5 ml कम करते जाइए, और अपना एक्सरसाइज का रूटीन मेंटेन रखिए। तो अभी फाइनली उसका हुआ ये कि उसने महीने भर रेगुलर ड्रिंक किया एक क्वार्टर के आसपास, एंड उसका ब्लड शुगर जो है 150 और 180 के बीच में आ गया विदाउट एनी मेडिसिन। अब ये जो लड़के का सिचुएशन था, इसका भी वही हाल था कि पानी ज्यादा पी रहे, और पानी का प्रॉब्लम होता है अगर आपके सेल में एक बार पानी ज्यादा हो गया तो प्यास भयंकर ढंग से लगती है, और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आप ज्यादातर लोग देखिए दो कारण होते हैं, एक तो आपका ये सेल में पानी ज्यादा बढ़ गया, और या फिर आपका न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कम हो गया, कि जो लोग 3-3, 4-4, 5-5 कप चाय पीते हैं। आपका चाय का इंटेक कितना है? हाँ, चाय का है ये मैं नहीं छोड़ पाया, एक तो मॉर्निंग में मेरे को चाय जरूरी होता है, और कभी कभी आप एवरेज बताइए। एवरेज मतलब जब आप कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहे, मान लीजिए 6 महीने पहले या 2 साल पहले कितना लेते थे आप पर डे का, कितने कप हो जाता था? अगर मैं बात करूं पिछले 2 साल की, तो दिन में मैं क्या बोलते हैं 2 चाय। ओके, अगर डायबिटीज होने से पहले की बात करें, 9 साल पहले की बात करें, तो नहीं 9 साल पहले की बात करें तो चाय तो थी 2-3 टाइम की, बिल्कुल याद नहीं है, पर 2-3 टाइम तो मेरे घर में फिक्स बनता है, और मेरे ऑफिस में भी एक टाइम बनता है। लेकिन 2 साल पिछले 2.5 साल से बात करें, 2 साल से तो मेरे ऑफिस में चाय की वैसी प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, बट डीप वाली टी लेता था, ग्रीन टी, और वही पीता था, तो दिन में वो कभी 2-3, 4 ऐसा रहता था। तो टोटल मिलाकर कहें तो 2 आपके घर की होगी और 2-3-4 वहां की होगी। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, देखिए जो डायबिटीज होती है, डायबिटीज मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आती है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम WHO ने ठीक से डिफाइन नहीं किया हुआ, जो कॉमन आदमी के समझ में नहीं आता, इवन डॉक्टर्स को समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है, और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जो डेफिनेशन है बहुत ही गंदी और घटिया डेफिनेशन है। उसका जो एक नटशेल में, एक लेमैन के लैंग्वेज में है कि आप जो भी खाना खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और हमको पढ़ा पढ़ा के दिमाग खराब किया हुआ है कि जी कैलोरी इंटेक होता है, आपको वेट कम करना है, कि आप कैलोरी इंटेक को माइनस में करिए, खाइए कम और स्पेंड ज्यादा करिए, वो सब बेकार की बातें हैं। दुनिया में जो भी आदमी इन रूल्स को फॉलो करता है, एक्सरसाइज को या आपके फूड इंटेक को, उसका उसमें से आप ये कह लीजिए कि 0.1% लोगों का भी वेट में डिफरेंस नहीं आता उस थ्योरी के हिसाब से। जिसका आता है उसको ये नहीं पता चलता क्यों कम हो रहा है, क्यों ज्यादा हो रहा है। सो उसके बावजूद भी कि 50-60 साल के अंदर आप एक थ्योरी नहीं बना पाए, पर आज की डेट में भी जितने एक्सपर्ट जितने पढ़े लिखे होते हैं वो उसी कहानी को दोहराते रहते हैं। द लीस्ट इज कि जब आपसे कोई काम नहीं हो रहा तो छोड़ दो उसको। तो इसी तरीके से जब आप वेट की बात करते हैं, तो वेट के अंदर इतने एक्सपर्ट्स हैं, इतने न्यूट्रिशन के कोर्सेज होते हैं, और वो इतनी थ्योरी बना के रखा है, इतने लोगों को उल्टा सीधा एडवाइस देते हैं, पैसे लेते हैं बहुत सारे। एनीवे, अब कमिंग बैक टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि आप जो खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और उस एनर्जी का दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब हो गया आप चलते हैं, आप बैठते हैं, आप उठते हैं, गाते हैं, सोते हैं, जो भी, नहीं सोने को छोड़कर, और दूसरा हो गया इंटरनल। इंटरनल का मतलब है कि आप सो रहे हैं, डीप स्लीप में हैं, तो उस समय भी आपका दिल काम कर रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके बाकी सिस्टम काम कर रहे हैं, तो वो जो है उसको आप रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बोल लीजिए या इंटरनल बोल लीजिए। सो हमारा जो एनर्जी का कंजम्पशन होता है, जो खर्चा होता है, वो 60-80% जो होता है इंटरनल होता है। और डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी या स्ट्रोक, ये जितनी भी बीमारियां होती हैं, बल्कि आप इसको छोड़िए, आप ऑलमोस्ट सारी बीमारी को कहती है जो क्रोनिक होते हैं। क्रोनिक का मतलब है जो लॉन्ग टर्म बीमारियां होती हैं, और एकदम से आदमी को नहीं मारती, धीरे धीरे करके प्रॉब्लम करती हैं।
वो जितनी भी क्रोनिक बीमारियां हैं सब का कनेक्शन जो होता है वो आपका इस चीज से होता है कि आपके जो वाइटल ऑर्गेन्स हैं, दिल दिमाग और अंदर का सिस्टम है, किडनी है, लीवर है, इनको जो एनर्जी चाहिए मिनिमम वो पूरी नहीं पड़ रही है। अगर आपके दिल को पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी तो ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा आपका और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और हार्ट अटैक भी होगा, बाकी सब काम भी होंगे। तो बेसिक जो उसमें है चीज वो है आपका एनर्जी। अब उसके लिए जो दवा देते हैं उसको और स्लो कर देते हैं, और स्लो करने से क्या होता है उसका डिमांड कम हो जाता है तो वो मैच कर जाता है तो थोड़े दिन और आदमी जी लेता है, परंतु वो धीरे धीरे करके कमजोर होता जाता है। और दूसरा उसको ठीक करने का तरीका हमारे वाला है, हमारे वाला तरीका है कि उसका एनर्जी लेवल बढ़ा दो। तो हमारा फोकस होता है कि जो खर्चा है उसको कम कर दो और जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दो। अब इसमें प्रॉब्लम यह आती है कि अगर मान लीजिए आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो गया, जैसे चाय होती है, चाय का बेसिक काम क्या होता है कि जो भी आपने खाया पिया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसको अंदर ही नहीं जाने देता, ठीक है। तो जब न्यूट्रिएंट अंदर नहीं गए तो एनर्जी नहीं बनेगा। और दूसरा जो कारण होता है कि आप ज्यादा पानी पी रहे हैं, अब ज्यादा पानी पीने के पीछे बहुत से कारण हो जाते हैं, ज्यादा पानी पियेंगे तो सेल में ज्यादा पानी हो जाएगा और जितना ज्यादा पानी आपके सेल में होगा, सेल को एनर्जी बनाना है, एनर्जी जो होती है सेल में बनती है, अगर सेल में पानी ज्यादा होगा तो सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा तो आपके सेल कम एनर्जी बनाएंगे, और अगर आपके सेल कम एनर्जी बनाएंगे तो आपका दिल दिमाग नहीं है ठीक से काम करेगा तो आदमी मरेगा जल्दी से जल्दी। तो हमारी बॉडी क्या है, एज ए डिफेंस मैकेनिज्म क्या करती है, ब्लड शुगर बढ़ा देती है, क्योंकि सेल के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है एनर्जी बनाने वाला ग्लूकोज होता है। तो अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा तो ईच यूनिट ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड का काम क्या होता है न्यूट्रिशन को सप्लाई करना सेल्स में, ब्लड इज बेसिकली ट्रांसपोर्टर, ब्लड का और कोई काम नहीं है। ब्लड में कोई अगर हम सोचे कि हम खाते हैं तो ब्लड में न्यूट्रिशन जाता है तो उससे हमें ताकत मिलती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लड इज सिंपली ट्रांसपोर्टर, उसने जो भी चीज हमने खाया ब्लड में गया, ब्लड के बाद वो किडनी से और लीवर से बैलेंस होता है, उसके बाद हार्ट में जाता है, हार्ट उसको पंप करता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी का सिस्टम इंश्योर करता है कि हमारे सेल्स में कोई भी चीज गलत ना जाए, ठीक है। ठीक है, तो अब दो तरीके से प्रॉब्लम है, एक तो चाय की प्रॉब्लम है कि न्यूट्रिशन ही नहीं जा रहा, दूसरे आपको प्यास बहुत लग रही थी, और प्यास यूजली जो भी ड्रिंक करते हैं और कैजुअल ड्रिंक करते हैं उनका प्रॉब्लम ये रहता है कि आपने आज ड्रिंक किया तो आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर वो फ्लूइड गया, उसने डिहाइड्रेट कर दिया, डिहाइड्रेट करने के बाद सेलुलर जो डैमेज होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो बॉडी एज ए डिफेंस मैकेनिज्म आपके पानी को ज्यादा स्टोर करने लगती है, तो बॉडी क्या करेगी कि सेल्स में आदतन ज्यादा पानी स्टोर करेगी, आपने कल लिया नहीं ड्रिंक तो उसी में रह जाएगा सेल्स में, आपने 10 दिन के बाद लिया तो धीरे धीरे करके आपके सेल्स का फ्लूइड बढ़ने लगता है। जितना आप ड्रिंकिंग में इरेगुलर होंगे उतना प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, और जितना आप उस इरेगुलरिटी से बचने के लिए, सुस्ती से बचने के लिए, आपने मान लीजिए 7 दिन बाद चाय पीनी है तो 2-3 दिन के बाद आपको सुस्ती आने लगेगी, आपको डाइजेशन खराब होने लगेगा, गैस वगैरह होने लगा, उससे बचने के लिए आप चाय पीना शुरू कर देंगे तो उससे और ज्यादा नुकसान होगा आपका। तो एक विशेष सर्कल होता है, तो बेसिकली जो भी इस विशेष सर्कल में फंसा है, चाय का विड्रॉल सिम्टम्स तो 7 दिन में खत्म हो जाते हैं काफी हद तक, एल्कोहल के कभी मतलब बहुत मुश्किल से होते हैं। तो एल्कोहल का जो अभी तक मैंने पढ़ के जो इंटरनेट पर सोल्यूशन ढूंढा था वो ये है कि एल्कोहल को धीरे धीरे टेपर ऑफ करना चाहिए, और टेपर ऑफ करने में क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि आपके सेल्स अगर पानी ज्यादा कैरी कर रहे हैं तो आपने ड्रिंक किया आज वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, पर क्योंकि उसकी टेंडेंसी है और आपने उसको बता दिया कि आप इस तरीके से एल्कोहल लेते हैं तो सेल्स विल प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे ज्यादा पानी स्टोर करके। पर अगर आप ड्रिंकिंग के बीच में और नेक्स्ट ड्रिंक के सेशन के बीच में एक्सरसाइज कर लेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे, जैसे वॉक एंड रेस्ट इज द बेस्ट थिंग टू डिहाइड्रेट द सेल्स के लिए, तो अगर आप 3-4 घंटे के लिए नेक्स्ट डे वॉक एंड रेस्ट करते हैं तो आप जितना भी एल्कोहल को कट डाउन करेंगे, मान लीजिए आपने 10 ml किया तो उतना पानी अगर उसने कम कर दिया और हमारी बॉडी को स्टोर नहीं करने दिया ड्यू टू एक्सरसाइज, तो हम उतना एल्कोहल से फ्री हो जाएंगे। तो मेरा अभी तक जो प्लान है, जो मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पर वीक का 10 है जब स्टार्टिंग में, और थोड़ा सा कम होते ही एल्कोहल मान लीजिए 90-60 में आ गया तो उसके बाद 5-5 ml, क्योंकि अगर हम स्पीड से चलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3-4-5 महीने में पर्सन कैन बिकम एल्कोहल फ्री एंड विदाउट हैविंग एनी रिपरकशंस। और ये चीज आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, क्योंकि स्कूल के बच्चे जो भी होते हैं वो पेरेंट्स से छुपके पीते हैं, और जो भी छुपके पीता है वो रेगुलर नहीं पीता। ये जैसे गेम्स होते हैं ना, स्पोर्ट्स होते हैं कि आप आज खेलोगे तो कल भी खेलना पड़ेगा, परसों भी खेलना पड़ेगा, नहीं खेलेंगे तो दर्द होगी, और अगर छोड़ देंगे तो फिर आपका मतलब दिक्कत है।
तो जैसे आप स्पोर्ट्स में रेगुलर होना पड़ता है, वैसे ही आपका ये मेटाबॉलिक रेट का एक सिस्टम है एल्कोहल भी, तो अगर आप पीते हैं तो उसको रेगुलर पीजिए, नहीं तो नहीं पीजिए, और अगर आपको छोड़ना है तो उसको टेपर ऑफ करके छोड़िए, ऐसे मत छोड़िए। तो इसीलिए आपका जो भी सिस्टम है वो काम नहीं करता है। अब इसके ऊपर मैंने ट्राई करना शुरू किया, मैंने आपको बता ही दिया कि उसका 500 को टच करता था सुबह, क्योंकि उसको नींद अच्छी आ जाती थी और हमने पानी को कंट्रोल किया हुआ था, और उसका वॉक एंड रेस्ट भी वो दिन में 5-5, 6-6 घंटे कर रहा था, तो उसकी वजह से उसका बीच में कम हो जाता था, दिन में सुबह 120-140 भी आ जाता था उसमें, जब बहुत मेहनत किया। पर अल्टीमेटली आदमी कितनी देर वॉक एंड रेस्ट करेगा, धीरे धीरे करके इंटरेस्ट कम होने लगता है और उतना कर नहीं पाता। आप 6-8 घंटे दिन में कैसे कर लेंगे, फिर पाँव दर्द होने लगते हैं, फिजिकली भी सपोर्ट नहीं होता वो। फिर उसके दूसरे भी इम्प्लीकेशन होते हैं कि आपकी बॉडी के जो रिजर्व्स होते हैं एनर्जी के खत्म हो जाते हैं, फिर आपको सुस्ती आने लगती है, कमजोरी आने लगती है। तो उससे जो सस्ता तरीका और आसान तरीका लगता है वो ये है कि ड्रिंक करो रोज के रोज, और धीरे धीरे करके ड्रिंक को टेपर ऑफ करो 5-5, 7-7 ml करके। और उसको टेपर ऑफ करने के लिए भी सोचने से नहीं होता, उसके लिए जैसे मैं अपने घर में सजेस्ट करता हूँ कि भाई तुम हफ्ते की 7 बॉटल लेके रख लो। तो अगर अभी आपने 180 ml से शुरू कर रहे हैं और 10-10 ml कम करना है, तो नेक्स्ट वीक के 7 बोतल और रखो, और उस बोतल में से 10-10 ml निकाल लो। और या फिर जब भी आप पूरे वीक का तैयार करें तो उसमें से जितना भी टेपर ऑफ करना है उसको निकाल के अलग रख दो, और एक बारी में एक ही बोतल उठाना है, और उसका चार्ज होना चाहिए घर के किसी और आदमी के पास लॉक एंड की में, ताकि एक से दूसरी बोतल आप टच ना कर सके, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद किसी को कुछ नहीं पता रहता कि क्या हो रहा है। और कभी भी मतलब जो आप बाहर ड्रिंक करते हैं पार्टी में या लोगों के साथ फ्रेंड्स के साथ, वो बंद करके घर में बैठ के करना चाहिए, और घर वालों को समझा देना चाहिए कि भाई ऐसी करके छोड़ रहे हैं। मैं तो अभी सभी रिलेटिव्स को भी सभी को ही कर रहा हूं, धीरे धीरे करके ना। अब कल एक लड़के का फोन आया, आई थिंक बस 25 ईयर, परसों की बात है शायद, तो उसको एक्जिमा की प्रॉब्लम थी, तो उससे पूछा तो वो भी ड्रिंक करता था, और बोलता अभी 5-6 महीने से बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने कहा ड्रिंक करने के छोड़ने के बाद में विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जिससे पानी भरता है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं, तो आपको भी शायद ड्रिंक करने का शुरू करना पड़ेगा। तो इसे मुझे तो कोई विड्रॉल सिम्टम नहीं हुआ, मेरे को 6 महीने हो गए। तो मैंने कहा सिर्फ एक काम सोचो, 6 महीने पहले आपने ड्रिंक को छोड़ा, आप सिर्फ एक चीज सोच के बताओ कि 6 महीने के अंदर आपका जो एक्जिमा है वो बढ़ा है या कम हुआ है, क्योंकि उसने छोड़ा तो एक्जिमा के लिए था कि कम हो जाए। तो फिर वो कहता नहीं जी आप ठीक कह रहे हो, मेरे को 6 महीने के अंदर, पहले मेरे रिस्ट पे नहीं था, अब रिस्ट पर भी एक्जिमा हो गया तो बड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से जो भी बात होती है, जब जब कोई नहीं मानता ना, तो सबसे पहले फिर वहां जाना पड़ता है कि शुरू कब हुआ, उस समय क्या हैबिट थी, और जब आप उसको एनालाइज करते हो तो वहां पर गड़बड़ होती है, फिर उसको आपको समझाकर उसको लाइन पर लाना पड़ता है। तो बेसिकली अगर आप इसको धीरे धीरे एनालाइज करेंगे ना, तो एक्चुअली ये लड़के का भी क्यों हुआ जो 20 साल का बता रहा हूँ, अप्रैल का महीना था, ड्रिंक कर रहा था, और अप्रैल के महीने के बाद उसने ड्रिंक छोड़ी, और उसमें गर्मी बहुत थी, तो ऑब्वियसली गर्मी के अंदर आदमी पानी पीता ही है ज्यादा, तो वो ना चाहते हुए भी पानी पीने लगा। और उसको दूसरा हमारे कंसेप्ट ये रहता है कि यार हमने दारू पी है, इससे किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, तो पानी खूब पीना है। तो आदमी का फोकस भी रहता है ज्यादा पानी पीने पर, और गर्मी की वजह से ज्यादा भी हो जाता है, और फिर ड्रिंक छोड़ने की वजह से वैसे ही ज्यादा पानी पीने का मन करता है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ कि इमीडिएटली छोड़ते ही मे बी उसका वाटर इंटेक 4-5 लीटर से ज्यादा क्रॉस कर गया, वो पीता चला गया, और उसके बाद जब तक उसको रियलाइज हुआ तब तक उसको ये हो गया। और सेल्स में एक बार पानी भरने के बाद एक सिस्टम होता है इन्फ्लेमेशन का, जिससे वो सेल से पानी बाहर निकलता है, तो वो पानी जो है वो लिमिटेड मात्रा में ही निकलता है, उसको आप वॉक एंड रेस्ट करके दूसरे तरीके से बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं। तो बेसिकली अब एक चीज तो ये एल्कोहल समझ में आया था, दूसरा चीज ये समझ में आया कि जब हम सोते हैं ना, और अगर हमें सोते अच्छी नींद आ जाए जिसमें सुबह उठकर फ्रेश भी महसूस करें और पेशाब भी अच्छे से आ जाए, तो उस पीरियड के अंदर जो हमारी जो हमारा ग्लूकोज होता है ब्लड में वो सेल में जाता है, और दैट इज गुड। ठीक है, उससे कम भी हो जाता है। तो दूसरा था रिलैक्सेशन, कि आप अगर कोई मसल रिलैक्सेंट लें या कोई भी चीज जो आपके ब्लड वेसल्स को और ब्लड आर्टरीज को डायलेट कर दें, चौड़ा मतलब खोल दें, तब उससे क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जा पाएगा। अब ब्लड शुगर जो होती है, हमने गलत वर्ड्स और गलत चीजों को फोकस किया हुआ है, डायबिटीज में ब्लड शुगर कितना होता है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होता, चाहे 500 हो चाहे 5000 हो जाए। होता यह है कि जब आपका शुगर बढ़ता है तो साथ में कुछ मिनरल्स वगैरह बढ़ते हैं, आपका खून गाढ़ा हो जाता है, और वो खून को ट्रेवल करना होता है आपके वेसल्स में, वेन्स में, और वो वेन्स आपका एक बाल का जो मोटाई होता है उसमें 1-1 लाख वेन्स भी होती है, बहुत पतली पतली भी होती है। तो जो वेन्स पतली होती है वहां ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, जब वो ब्लड सप्लाई बंद होता है तो वो जो ग्लूकोज वहां पर जाना था वो वहां नहीं जा पाता और आपके उसमें रह जाता है ब्लड में, तो इसलिए ब्लड शुगर बढ़ता है। जब ऑर्गन डैमेज की बात करें तो अगर मान लीजिए किसी का किडनी डैमेज होता है, तो उसका भी कारण होता है कि किडनी भी बनी तो टिश्यू से ही है,
किडनी को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो जब आपका धीरे धीरे ब्लड इतना गाढ़ा हो जाता है कि किडनी की जो ब्लड वेसल्स हैं ऑब्वियसली मोटी होती है, किडनी और जो भी वाइटल ऑर्गेन्स हैं उनकी मोटी होती है, इसीलिए वो सबसे आखिर में डैमेज होते हैं। अगर आप इसको देखें डायबिटीज को, तो डायबिटीज में शुरू होते ही जिस दिन डायग्नोज होता है उसी दिन तक स्किन खराब हो चुकी होती है, उसमें रैशेज पड़ रहे होते हैं, एक्जिमा हो रहा होता है, या दूसरी प्रॉब्लम्स होती है, या घाव भी हो जाते हैं पैरों वगैरह में। तो वो सारा का सारा चीजें उसी समय, वो जो पतली वेसल जहां होती है वहां सबसे पहले डैमेज होता है, जहां पर मोटी होती है वहां बाद में होता है, और वाइटल ऑर्गेन्स में मोटी होती होंगी आई बिलीव। तो ये कहानी होती है। तो अब हम कुछ मेडिसिन को यूज करके भी शायद कर सकते हैं, बट अब मैं मेडिसिन लाइन में हूं नहीं और मैं आपको नहीं बोल सकता कि आप कौन सी मेडिसिन लो। देख के तो ऐसे इंटरनेट पर बता सकते हैं कि आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए मेडिसिन होती है, मसल रिलैक्सेंट ये होते हैं। आई थिंक देर कुड बी डिफरेंस बिटवीन मसल रिलैक्सेंट एंड हमारे इसको डायलेट करने की मेडिसिन के ऊपर थोड़ा सा शायद डिफरेंस होगा, मुझे टेक्निकली नहीं मालूम, पर मेरे पास कॉन्टेक्ट है, मैं पता कर सकता हूँ। बट अगेन द थिंग इज कि मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता, वो आप ही को डॉक्टर से बात करके उसको बोल के कि मुझे इस तरीके से चाहिए, मैं ट्राई करना चाहता हूँ, या आप बताएंगे तो मैं आपको वैसे बता भी दूंगा। तो वो एक आपको कैलकुलेटेड और वो सोच समझ के चलना है। अब आप क्योंकि अल्कोहल लेते हो और आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि आप कंप्लीटली छोड़ रहे हो, तो बेटर अप्रोच इज और कि आप अल्कोहल ही ले लो, बट अल्कोहल विल बी मोर एक्सपेंसिव इन दैट केस। और वो काम करेगा नहीं करेगा कैसे करेगा उसका भी पता नहीं है, मसल तो रिलैक्सेंट हो जाएगा बट वो बेसिकली सेल में जो फ्लूइड है वो किसी तरीके से डिहाइड्रेट होना चाहिए। तो वो तो खैर गूगल करेंगे कि जी जब मसल रिलैक्सेंट लेते हैं तो यूरिन आउटपुट बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है नहीं बढ़ती, वहां से पता चल जाएगा। और अगर बढ़ता है तो बस, और जैसे ही आपको यूरिन आउटपुट बढ़ता है उसी समय आपको प्यास कम हो जाती है, तो सीधा सीधा कनेक्शन इसका बैठता है। जैसे उस लड़के का भी मैं इतने दिनों से कर रहा हूं ना, हमारी दिन में 8-10 बार बात होती है, तो उसका पहले दूसरे दिन ही कहना था कि ये वॉक एंड रेस्ट करने से मेरा यूरिन आउटपुट बहुत बढ़ गया, और यूरिन आउटपुट बढ़ते ही प्यास कम हो जाती है। फिर उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप अपने आप को एक लिमिट के बियॉन्ड डिहाइड्रेट नहीं कर सकते हैं, फिर पानी पीना ही पड़ता है। वो पानी कितने टाइम के बाद पीना है वो सारी सिचुएशन बहुत सी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। अब मेडिकल साइंस की प्रॉब्लम यह है कि साला मेडिकल साइंस में कोई भी आदमी इन चीजों को फोकस करने के लिए तैयार ही नहीं है। दुनिया में जिस भी आदमी को डायबिटीज होती है उसके दो सिम्टम बताए हुए हैं कि प्यास ज्यादा लगती है, यूरिन ज्यादा आता है। कभी किसी ने किसी बंदे से पूछा ही नहीं आज तक कि भैया तुमको प्यास कब से ज्यादा लगती है और यूरिन कब से ज्यादा आता है, उसके ऊपर दुनिया में आज तक स्टडी नहीं हुई है। जबकि कोई भी आदमी जाएगा तो हर आदमी का जो भी कॉमन सेंस है वो तो ये कहती है ना, पहले उसको एग्जामिन करें, उससे पूछें कि भैया तुम कब से पानी ज्यादा पी रहे हो, कब से यूरिन ज्यादा आ रहा है आपको, कोई हिसाब किताब भी नहीं है। और वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतना ज्यादा है कि अब जैसे मैं ये सब लिखता हूँ, बहुत सी जगह लिख चुका हूँ, और मैं डायबिटीज में एक साल पहले 1.5 साल पहले मैं नंबर 3-4 पोजीशन पर पहुंच गया था कोरा के ऊपर, मतलब पीपल हैड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट। अभी मैं जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना इसका, मैं उस समय 10% भी नहीं लिख रहा था, अभी मैं आज लिखना शुरू करूँ तो मैं पिछले अगले एक महीने के अंदर नंबर 1 पोजीशन पर हो जाऊंगा डायबिटीज में भी और ब्लड प्रेशर में भी। प्रॉब्लम यह है कि वहां से कहीं से कोई सपोर्ट या कोई रिसर्च करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक्चुअली आप नॉन मेडिकल फील्ड से है ना, आपको पता है मेडिकल लॉबी और फार्मास्यूटिकल लॉबी, वो सभी कुछ मालूम है, वो सभी कुछ मालूम है, वो सभी कुछ मालूम है, पर हमारे अपने फ्रेंड्स हमारे अपने कलीग्स जो है वो एमडी किया हुआ है, डॉक्टर है, सब कुछ है, तो हमें ये लगता है कि यार ठीक है फार्मा इंडस्ट्री मतलब खराब है, पर जो जिनके साथ हम पले हुए हैं बड़े हुए हैं उनके साथ समझ नहीं आता कि वो लोग इतने ज्यादा अपने करियर में इन्वॉल्व होते हैं कि उनको किसी चीज से मतलब ही नहीं रह जाता। तो वो तो प्रोफेशनल है ना सर, प्रोफेशनल नहीं होता उनका एक ना, पता क्या होता है, जैसे आपका घोड़ा होता है ना, घोड़े को नाल बांधी जाती है वो एक ही डायरेक्शन में देख पाता है, तो इसी तरीके से जब आप 8-8, 9-9 साल किसी को कुछ पढ़ाते हैं ना तो उस पढ़ाई से दिमाग हटा ही नहीं पाता है, वो उस तरीके से वो बायस हो जाता है। अब आपको छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, आप एक गिलास पानी ले लो, उसमें एक चम्मच नमक डाल दो, उसको आप टेस्ट करो, आपको नमक ज्यादा लग रहा है, नमक कम कैसे करोगे? हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ सर, नमक कैसे कम करेंगे? हाँ, पानी बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके लिए आपको एमबीबीएस एमडी करने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु यही बात आप किसी पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट से पूछोगे ना वो इसका कुछ और जवाब देगा। तो आप उसी से समझ सकते हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक ही डायरेक्शन में देख पाते हैं, और इन लोगों को हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ सस्पेंस दिखाई देता है, ये कुछ और तरीके से सोचने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी पढ़े लिखे आदमी से बोला था तो वो बोलता जी उसको पानी को उबाल लेंगे, पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलने लगा। बट जो साइंटिस्ट होते हैं मेरी उनसे भी बात हुई है, वो कहते हैं जी उसमें ऐसा केमिकल डालेंगे जो कि सोडियम के आयन्स को बाइंड कर लेगा। अब बताओ
उनका दिमाग ही नहीं चलता सीधे तरीके से। अब करें क्या, उनको समझाते हैं कि भैया हर चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, इसको सिंपल तरीके से देखने की कोशिश तो करो एक बारी। उनके समझ में नहीं आता, और सीरियसली समझ में नहीं आता है। और हम इसलिए कर पा रहे हैं कि हमारा किसी में बायस है ही नहीं, हमें किसी से मतलब नहीं है। और यही चीज आप इंजीनियर को बोलोगे ना, 5% इंजीनियर्स भी गलत जवाब देंगे इसके ऊपर, क्योंकि उनको अगर ठीक करो ना, उनको बोलो तो उनका क्योंकि बायस नहीं है, वो एक मिनट में मान भी जाते हैं। पर अगर डॉक्टर को बोलोगे वो नहीं मानेगा इन बातों को। आपके पास जिसका भी कॉल आता है, मैंने आपके बहुत सारे यूट्यूब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग देखा है, और रिसेंटली आपने 2 व्हाट्सएप पे भी शेयर किए थे, जो अभी रिसेंटली वो अल्कोहल वाला लड़के की बात कर रहे थे ना, 25 साल वाला, उसका भी मेरे ख्याल से आपने भेजा था, वो मैंने सुना था, बहुत लंबा कन्वर्सेशन सुना था सब कुछ। तो आप देखिए, एक टॉपिक लेके कोई भी आपको फोन करे, 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट, 1.25 घंटा तक उससे इतना एक्सप्लेन करने में लगाते हैं। किसी भी MBBS या MD को देखें, वो इतना लगाता है, बाहर लाइन लगी रहती है। यही तो बात है, वो तो रिपोर्ट वो रिपोर्ट देखता है, दवाई दी, आपने बोला कि मेरे को थोड़ा कमर में भी दर्द, एक और टेबलेट ऐड कर दिया, अगली बार गए बोल दिया कि मेरे को थोड़ा सा चक्कर आया था, एक और टेबलेट ऐड कर देगा, बस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई समझ नहीं, वो चक्कर की दवाई देके छोड़ देगा। पर सरकार भी तो है ना, सरकार भी तो अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है, अब जो रिसर्च होती है ना उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले की मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक वीडियो था लल्लन टॉप चैनल के ऊपर, उस वीडियो में कहा गया कि भैया एक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च में ये पता लगा है कि जो लोग खाने के साथ में पानी पीते हैं उनका ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ता है, जो लोग खाने से पहले पानी पीते हैं उनका ब्लड शुगर कुछ कम बढ़ता है, और जो खाने के बाद में पानी पीते हैं उनका सबसे कम बढ़ता है। तो इसलिए खाने के साथ जो पानी पिएगा उसको डायबिटीज हो जाएगा। तो मैंने उसको रेफरेंस करके अपना लिंक्डइन पर, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, मैंने उसमें ये लिखा कि जिस आदमी ने इस रिसर्च को किया है ना, सबसे पहले तो उसको गोली मार देनी चाहिए। दुनिया में कितने लोग हैं जो डायबिटिक हैं? आप सीधा सीधा उन्हीं से पूछो ना कि भैया तुम खाने के साथ पानी पीते हो नहीं पीते, तुम्हें रिसर्च करने की जरूरत पड़ गई, और वो भी सिर्फ 35 लोगों के ऊपर। और उसके बाद आपने कंक्लूड कर लिया कि जिनका ब्लड शुगर, जिनका खाने से ब्लड शुगर ज्यादा एब्जॉर्ब होती है तो उनको ब्लड शुगर हो जाता है, बल्कि खाने के साथ जो पानी पिएगा उसको ब्लड शुगर कभी होगी नहीं। आप पीते हैं खाने के साथ पानी? अभी पीता हूँ ना आपसे। नहीं नहीं, पहले पहले बहुत पहले नहीं, पिछले काफी सालों से, ये समझ लीजिए कि 10 सालों से खाने के साथ पानी पीना बंद कर दिया था। उसी भ्रमना का नतीजा था कि खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। और ये बात मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये जितनी रिसर्च हो रही है ना, इन रिसर्च दीज गाइज रियली डिजर्व कि इनको गोली मार दी जाए खड़ा करके। हाँ नहीं, वो चाहते हैं उनका मार्केट बढ़े, लोग बीमार पड़े। सर रिसर्चर की बात कर रहा हूँ, सर रिसर्चर, नॉट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, रिसर्च जो प्योर रिसर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट फंड्स के ऊपर, जिनको किसी चीज से मतलब नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं से लिंक है, उनको पैसा नहीं है। सर लिंक नहीं है, उनका दिमाग खराब हो चुका है। पर जिस आदमी ने इस रिसर्च को मतलब अलाउ किया, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? चलो बाकी लोगों को छोड़ देते हैं, जिसने इस रिसर्च के ऊपर लाखों रुपए करोड़ों रुपए सेंक्शन किया, 35 लोगों को उसने कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में बिठाया, उसको मतलब खाना खिलाया एंड ऑल दैट, और उसके बाद उस रिसर्च के पेपर को पब्लिश किया, एक तो जिस जर्नल में पब्लिश किया, सारे जर्नल और जर्नल होते गए हैं, सबके सब बिका हुए हैं। अब आपको मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ, बहुत सारी रिसर्च है जिसका मतलब मीनिंगफुल रिसर्च आज तक हुई नहीं। शुगर का डायबिटीज से क्या कनेक्शन है? जीरो रिसर्च आज तक, आज से 5 साल 10 साल पहले तक हर कोई कहता था कि जी डायबिटीज उनको होती है जो शुगर ज्यादा खाते हैं। फिर लोगों का कम्युनिकेशन, इंटरनेट वगैरह बढ़ा, लोगों को समझ में आने लगा कि भैया जो आदमी रोज के 20 चम्मच चीनी खा रहा है उसको तो हुई नहीं, और हमने कभी जिंदगी में खाई नहीं, हमें हो रही है। तो फिर जाके अब जाके बोलना शुगर, नहीं जी शुगर का इससे कनेक्शन नहीं है डायबिटीज से। तो फिर भी जिसको शुगर होती है सबसे पहले कहते हैं चीनी खाना बंद कर दो। सो बेसिकली एक रियल रिसर्च तो है ही नहीं, और पब्लिक बेवकूफों की तरह चले जा रही है, पब्लिक शोर नहीं मचाती। आज भी अभी शुगर पे किसी के पास भी प्रॉपर थ्योरी नहीं है कि क्यों होता है। कभी मोटापे को दोष दे जाता है, कभी उससे थक जाते हैं तो लाइफ स्टाइल पे डाल देते हैं। लाइफ स्टाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा जंगल है। कोई जंगल नहीं है सर, लाइफ स्टाइल होता क्या? लाइफ स्टाइल बेवकूफ बनाता, लाइफ स्टाइल बोल दिया, लाइफ स्टाइल में है क्या बता दीजिए। हाँ वही, उसमें कुछ भी आप सोच लो, आप सोच ही नहीं सकते कि लाइफ स्टाइल में कैसे सुधारूं। सर लाइफ स्टाइल नहीं, लाइफ स्टाइल को सुधारने की जरूरत नहीं है। अब एक लड़का है, वो कोई भी ना दारू पीता है ना स्मोकिंग करता है, कुछ नहीं है, वो मार्शल आर्टिस्ट है, मतलब मिक्स मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है रोज। वो कहता है मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मैंने कहा हफ्ते के लिए एक्सरसाइज बंद कर दे और वॉक एंड रेस्ट चालू कर दे, उसको ठीक हो गया। बेसिकली जब आप अपने आपको ओवर एक्सर्ट करते हो, आपके इंटेस्टाइन्स को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी नहीं मिल रही। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको पानी पिलाया जाता है, आपको फाइबर खिलाया जाता है, आपको गैस की गोलियां दी जाती हैं, आपको लैक्सेटिव दिया जाता है। अरे इससे कोई एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी, इससे तो एनर्जी और कम होगी।
तो बेसिकली हर दवाई आपको बीमार करने के लिए दी जाती है और लोग खुशी खुशी खाते हैं। आपको अगर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एक दिन पानी छोड़ दो, कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, वो कहते हैं पानी पी लो ठीक हो जाएगा। ये कौन सा तरीका हो गया? आप मेरे चैनल के ऊपर देखो कितने लोग बोलते हैं कि उनको जन्म से कॉन्स्टिपेशन था, वो तीन दिन में ठीक हो गया पानी कम करके। तो बेसिकली आपकी थ्योरी से मेरे को कुछ आपकी ये सारी थ्योरियां जो है ना, जो आपने बताए हैं, जो वहां तक मैंने सुना है, सब लॉजिकल है, सब लॉजिकल है, ठीक है, मेरे को समझ आ गया है और मैंने उसको करने की कोशिश भी की है। लेकिन शुगर में मेरे एक ही प्रॉब्लम है, इतना करने के बाद भी ऐसा हो रहा है। अच्छा, शुगर का तो मैंने आपको बताया ना कि इसमें अल्कोहल वाला कुछ पॉइंट्स है। देखिए, शुगर का मैं नहीं क्लेम करता हूँ कि आई नो 100%, क्योंकि शुगर में जो जिनको फ्रेश हुआ होता है, ताजा ताजा हुआ होता है, अगर दो चार महीने में किसी ने कॉन्टेक्ट किया तो वो परमानेंट ठीक हो जाता है। उसके बाद वो चीनी भी खिलाना शुगर देता हूँ 15-20 दिन के अंदर, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। जो क्रोनिक हो गया उसकी बॉडी के अंदर, मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, एसिडिटी के जितने पेशेंट हैं, मेरा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो है ना वो मैं एसिडिटी में हूँ, 100% रिजल्ट है, ठीक है। अब एसिडिटी इनक्यूरेबल डिसीज होती है, जो डॉक्टर के पास किया वो गया, फिर ठीक नहीं होता। अब मेरे पास 5-5 साल 10-10 साल पुराने लोग भी आते हैं एसिडिटी वाले। अब क्या है, अब मान लीजिए किसी ने, अब जैसे रिसेंटली केस बताता हूँ, उन्होंने उनको एसिडिटी हुई 3-4 महीने से, नहीं सॉरी, एक दूसरा केस बताता हूँ, एक पेशेंट है, उनको एसिडिटी भी थी पिछले 6 साल से, और उसके अलावा उनको हिचकी आती थी। उनकी हिचकी जब सुबह जागते थे तब शुरू होती थी और रात को सोने तक आती थी, सिर्फ सोते हुए नहीं आती थी। पिछले 6 साल में उन्होंने दुनिया भर का इलाज करा दिया, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि मैं इस तरीके से इलाज करा चुका हूं, तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको ना पहले हफ्ते में टेम्परेरी तौर पर बंद करके दिखाते हैं, परंतु इसको 2-3 महीने लग सकते हैं, 1-3 महीने तो लगेंगे आपको पूरी तरीके से ठीक होते हुए, हो सकता है ज्यादा भी लग जाए, पर आपको काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। शुरू करा, 3rd दिन उनकी हिचकी आधे दिन के लिए बंद हो गई, फिर 5वें 6वें 7वें 8वें दिन 4 दिन के लिए बंद हो गई। फिर उसके बाद उनको चेंज किया कुछ सिस्टम को, तो उनकी एसिडिटी बहुत बढ़ गई, हिचकी भी बढ़ गई, तो परेशान हो गए। जबकि मैंने उनको पहले दिन ही बोल दिया था कि भाई आपका बढ़ेगा, दोबारा से बढ़ेगा। अब उसके बाद बढ़ी, 4-5 दिन फिर रही और फिर खाली हो गई। अब आप एक चीज को समझिए, एसिडिटी मीन्स इनडाइजेशन, आपके एसिड्स कम है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि अगर आप किसी को 6 साल से एसिडिटी है तो आपकी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स में ये चीज फैल गई है, तो एसिडिटी होने का जो कारण है वो आपके सारे शरीर में फैल चुका। अब आपने एसिडिटी के कारण को ठीक कर दिया तो वो आपका ब्लड ठीक हो गया, ब्लड होता है सिर्फ 10% बॉडी वेट का। अब आपकी जब वो ठीक हो गया तो आपको 2-3 दिन बहुत अच्छा लगेगा, आपका 100% ठीक हो गए। जबकि जब वो जब पानी पिएगा उसमें 1 दिन पानी बढ़ाना होता है 6-7वें दिन, तो जब वो पानी को बढ़ाएगा 4 लीटर 5 लीटर पिएगा तो वो पानी सारे शरीर में फैल जाएगा, अगले दिन पानी को बंद करना है। तो जितना पानी आपका 7वें दिन में फैला था वो सारा वापस आएगा, और जब वो सारा वापस आएगा तो शरीर में एसिडिटी की वजह से जो जो आपका गड़बड़ हुआ हुआ है वो सारा 7वें निकलेगा और वो आपको भयानक तरीके से एसिडिटी करेगा, और वही उस समय आदमी घबराता है। तो उसको बस यही समझाते हैं कि भाई घबराना नहीं, तुमको गोली खानी गोली खाओ, जो भी खाना है 7-8 दिन और लगेंगे, तुम्हारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसके बाद वही होता है, 15-20 दिन के अंदर 70-80% आराम मिल जाता है लोगों को। अब इनका जो बात थी, इनको अभी हुआ 18-20 दिन, 18-20 दिन में अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी वो ये था कि इनको आधा दिन हिचकी नहीं आती थी, तो अभी मेरे ख्याल से 4-5 दिन से पूछा नहीं है, मोस्ट लाइकली अब या तो पूरी बंद हो चुकी होगी और या फिर वो आधा दिन चल रही होगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन और चलेगी, वो ठीक हो जाएगा पूरा। अब ये भी अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपका, मोस्ट लाइकली ना आप अल्कोहल के पॉइंट से और चाय के पॉइंट से सोचिए। ठीक है, अब इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है ना, आपको एक सेकंड में फिर दोबारा इंटरप्ट कर रहा हूँ। अपना दूसरी चीज है ना, अपना जो ब्लड शुगर को है वो 125 के आसपास मत टारगेट करके चलिए, जब मेडिसिन लेते हैं ना तो उसको 150 से 200 के बीच में रखिए, इतना ज्यादा लो मत करिए अभी। हाँ, मैं यही कर रहा हूँ, इसी बारे में मैं एक बात कर रहा हूँ। पिछले आज से अगर 2 साल पहले तक की बात करें, ठीक है ना, तो मैं 2-3 महीने अप्रैल से पहले 2 साल तक या 2.5 साल तक मैं किसी डॉक्टर के संपर्क में नहीं था, डॉक्टर की लिखी हुई दवाई को कंटिन्यू रखा था। ठीक है, उस टाइम पे मेरे को कुछ खास फर्क नहीं था, कोई नहीं, एनर्जी भी महसूस होती थी, शरीर भी अच्छा लगता था, वेट भी 63-64 किलो था और अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन मेरे को अचानक ख्याल आया कि यार कहीं ऐसा, 200 के आसपास रहता था दोनों टाइम, 200-250 के बीच में, ठीक है ना, कभी 180 भी हो जाता था और कभी 250, तो मॉर्निंग और खाना खाने के बाद दोनों लगभग बराबर ही रहता था। तो मेरे को ये टेंशन हो जाता था कि साला कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई किडनी वगैरह फेल हो जाए या बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। बस ऐसे ही लॉकडाउन में एक दिन ख्याल आया
और 3-4 दिन सोचा, फिर एक ऑनलाइन कंसल्टेंसी डॉक्टर से ले ली, ठीक है। अच्छा, उन्होंने दवाई चलाई जब 4 अप्रैल को दिखाया था, तो एक एक हफ्ते के लिए 2 या 3 बार चलाया, दवाइयां बदली बदल बदल के, उसके बाद लास्ट में एक दवाई दी, उसमें कुछ बहुत ही हार्ड दवाइयां थी और बहुत एक्सपेंसिव भी थी, ठीक है। उसके बाद एक हफ्ते बाद वो फिर कंटिन्यू कर दिया, बोला कि 1 महीना खा के फिर मिलेंगे। 1 महीना खा के उससे मिला तो शुगर काफी कंट्रोल हो गया। उसका टारगेट ये था कि फास्टिंग वाला 125-30 के आसपास रहे और खाना खा के 140-50-60 तक रहे, ठीक है। तो ये लेवल अचीव हो गया। उसके बाद जब दिखाया 1 महीने बाद, तो उसी को वापस कंटिन्यू कर दिया। उस टाइम पे मैंने उसको बोला कि डॉक्टर मेरे को थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, ठीक है, और वीकनेस लग रहा है और वजन भी घट गया है। तब उसने बताया कि वजन घटने के लिए मैंने दवाई दी है और वीकनेस है, तो उसने एक कुछ पाउडर दे दिया, वो इंश्योर डायबिटीज करके आता है वो पीने के लिए, और एक विटामिन की गोली तो खैर पहले से ही थी, उसके पहले ये दे दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाले में मेरे को पैरों में तलों में जलन महसूस होने लगी। मैंने उसको बोला तो उसने बोला कि ठीक है, ये कॉमन है, न्यूरोपैथी पेन है, डायबिटीज में हो जाता है, मैं डायबिटीज में हो जाता है, दवाई से नहीं हुआ, डायबिटीज में हो जाता है, पहले तो नहीं हो रहा था आपको जब 200 थी तो? हाँ, 200 था, यही मैं सोच रहा हूँ कि 200 था तब नहीं था, ये बीच में वैसे ही और अभी हो रहा, अभी भी हो रहा है, मैं परेशान। और ये आपको तो 9 साल हो गए ना इसको हुए हुए। जो आदमी पहले महीने में दवा ले लेता है उसको भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तभी भी वो कहते हैं डायबिटिक है। जब आप 10 साल तक दवाई नहीं ले रहे थे तब तक तो नहीं होता ये, जिस दिन दवा लेते हो। और ये बात कोई मानता नहीं है कि दवा की वजह से है। हाँ, और ये पता नहीं हो गया और अभी ठीक नहीं हो रहा, उसने जो कैप्सूल लिखे थे उससे भी नहीं ठीक हुआ। और अभी भला साहब मैं आपको बताऊं, 1 हफ्ते से उसकी सारी दवाइयां मैंने बंद कर दी, 1 हफ्ते नहीं उससे पहले, उसी की दवाइयों में से जो दोपहर में दिया था ना, दोपहर की दवाई हर वक्त खाना मेरे लिए बाहर भीतर रहता हूँ मुश्किल है, तो और वो बहुत एक्सपेंसिव थी। 1 टेबलेट था खाने से पहले, 1 टेबलेट था खाने के बाद दोपहर का, और वो बहुत ही डेंजरस केमिकल था, मेरे को लग रहा है उसी ने उसी से सारा कर दिया। उसने इतने इंतजाम कर दिए कंट्रोल करने के लिए कि ये समझ लिया कि रत्ती भर शुगर ग्लूकोज में जाने नहीं देना, और जब शुगर ग्लूकोज में नहीं जाएगा तो सेल में कैसे जाएगा, एनर्जी कहां से आएगी। बहुत सारा शुगर उसने ऐसी दवाई दिया कि यूरिन में फ्लश हो जाए, बहुत सारा लीवर से कंट्रोल हो जाए, बहुत सारा डाइजेशन में कंट्रोल हो जाए, फूड में कंट्रोल, मतलब चारों तरफ से रोक दिया है, तो ये हालत हो गई। उसके बाद मैंने उसका बंद कर दिया धीरे धीरे करके, उसकी कुछ सेलेक्टिव सुबह शाम वाली दवाई वो रखा था, ठीक है। और उसके बाद एक दिन मेरा मूड बदला, तो अभी इस बार दिखाना था 2 जुलाई को, मैंने उसको नहीं दिखाया, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा उसका प्रिस्क्रिप्शन लेना नहीं, जान ले लेगा वो। तो क्या बोलते हैं अपना 7-8 दिन हुए, फिर उसकी पूरी दवाई बंद कर दी मैंने। मुझे लगा ये दवाइयों के शायद ये केमिकल आई वो होने की वजह से मेरे तलों में जलन हो रही है, तो इसलिए मैंने कहा कि सारी दवाइयां मैं बंद करके देखता हूँ। और फिर आपका वाला वो फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन का, वही कर रहा हूँ। और डिहाइड्रेशन करता हूँ ना तो मेरे को प्यास नहीं लगती, प्यास पे मेरा कंट्रोल हो जाता है। हाँ, जब एक दिन पानी का इंटेक बढ़ाता हूँ तो अगले दिन थोड़ी सी डिमांड ज्यादा आती है, लेकिन वो कंट्रोल हो जाता है ऐसा। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा शुगर फिर बढ़ने लग रहा है धीरे धीरे, उससे मेरे को थोड़ी टेंशन हो रही है। तो मैं आपको फोन इसीलिए किया कि मेरे बारे में आप क्या रिकमेंड करते हैं। सर, मैं तो आपको अल्कोहल ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप अभी भी लेते हैं, छोड़ा नहीं है, और वैसे भी कोई ऐसी मतलब किसी जो आदमी ना लेता उसको रिकमेंड करना तो फिर भी गलत होगा, पर जिसने लिया हुआ है उसको रिकमेंड करने में कोई बुराई नहीं है। और मेरे हिसाब से आप उसको रेगुलेट करें, रेगुलर डेली के डेली लें। मैं डॉक्टर साहब, मैं भी फैमिली वाला हूँ, घर में रहता हूँ, घर में पीने पे थोड़ी ऑब्जेक्शन होती है, कभी कभार चल जाता है, वैसे रेगुलर मैं खुद ही प्रिफर नहीं कर पाता, ठीक है, बॉडी अजीब सा हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात, ओवर तो मैं कभी लिया ही नहीं, बहुत रेयरली आज तक पूरी मेरी लाइफ में 1-2 बार ही हुआ होगा जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया पी के, कभी ऐसे ओकेशन में, तो ओवर कभी नहीं लेता। अभी मेरी कैपेसिटी पीने की जो है, मेरा एक फॉर्मूला है जो आपने भी किसी को एडवाइस किया था कि आधा ले लो और एक ही बार में ले लो और थोड़ा कम पानी लेके, ठीक है ना, ताकि उसी से पूरे पौगे का नशा हो जाता है। तो मैं जस्ट यही फॉर्मूला जस्ट खाने से पहले लेके खाना खाया और सो गया, ताकि मैं घूमूंगा नहीं, किसी को पता भी नहीं चल रहा, मैं छुपा के ले लेता हूँ। तो ये तो मैं चलो आदत है बहुत पुरानी, तो कभी कभार ले लेता हूँ, लेकिन मैं इसको छोड़ना चाह रहा हूँ। पूरे लॉकडाउन में ये समझ लीजिए कि मार्च से लेके आज तक मैंने 3 या 4 बार ही लिया है। आखिरी मैंने लिया था, एक अधा लाया था 8 तारीख को और उसको 4 दिन में खत्म किया है। पर बात को समझिए ना कि आपको अब जैसे जो जिस फैमिली में जिस लड़के को मैंने कहा ड्रिंक लेने के लिए,
उसके घर में भी नहीं लेता, उनका भी बहुत ऑब्जेक्शन था। तो परंतु मैंने उसको बोला अपने पेरेंट्स से बात करो, अब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि भैया अगर अल्कोहल से तू ठीक होता है तो इंसुलिन से तू बच सकता है, तो भैया तू पी ले। और उसको बोला कि घर वालों के सामने बैठ के पियो, उनको बोलो कि हम इस तरीके से करके पी रहे हैं, और उनको पूरा प्रोग्राम बताओ कि हम 5-5 ml करके 10-10 ml करके 2-3 महीने में बंद कर देंगे इसको, और साथ में एक्सरसाइज रोज करता रहा उनके सामने, उनको भी दिख रहा है कि रिजल्ट मिल रहा है। और अगर हो पाया तो जैसे ही कंट्रोल होता है तो हम उसको जो टेपर ऑफ करना है उसकी क्वांटिटी और बढ़ा देंगे। अगर वो हमारा टारगेट तो है 2-2.5 महीने के अंदर उसका दोबारा से बंद करा दूंगा, प्रॉपर तरीके से बंद कराऊंगा, ना उसको अल्कोहल की प्रॉब्लम रहेगी और ना ही उसको ये प्रॉब्लम रहेगी। और जो आदमी ज्यादा भी पीता है, जैसे मेरे ब्रदर का है, हमारे फैमिली मेंबर है, तो उसको भी हमने ये कहा कि 180 पीता है, 180 में भी अगर हम 10-10 ml भी कम करने लगते हैं तो टोटल 18 हफ्ते ही तो लगे, अगर हम 5-5 ml भी कम करते हैं तो सिर्फ 36 वो लगे, 36 का मतलब भी करीब आपका 7-8 महीने हो गया। तो बेसिकली वही है, उसके लिए हमें मेंटली और अदरवाइज फैमिली को तैयार करना पड़ेगा कि भैया ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आप 200-250 तक तो ब्लड शुगर मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद मैनेज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका 400 आ रहा है हमारे फार्मूले से, तो इसका मतलब है कि वो टाइम, क्योंकि देखिए आपकी ब्लड शुगर की कमी है सेल्स में, ठीक है, ग्लूकोज की, अब रास्ता जाने का सिर्फ ब्लड है, तो ब्लड में अगर बढ़ेगी तो गड़बड़ होगी होगी, जितना वेन्स में जा सकता है जितना उनका स्ट्रेंथ है। और अल्कोहल से 2-3 काम होते हैं, अल्कोहल से आपको जो आपकी ये होती है वेन्स होती है वो भी डायलेट हो जाती है, खुल जाती है, तो वो ज्यादा ले जा सकती है शुगर, और अगर ज्यादा शुगर जाती है तो आपका एनर्जी लेवल भी अगले दिन थोड़ा सा ठीक होता है, सी एनर्जी लेवल भी ठीक होता है, यूरिन भी खुल के आता है, और वो सारे फर्क पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो प्लैंड वे में तो यही है, आप जो कह रहे हैं कि फैमिली में दिक्कत है तो बात करिए बैठ के, उनको समझाइए कि भाई इस तरीके से है। ठीक है, मैं अल्टरनेट की बात कर रहा था, एक तो है कि इसको अल्कोहल को कंटिन्यूअस डेली बेसिस पे शुरू कर दें और एक रूटीन के हिसाब से। अच्छा, दूसरा वाला मैंने आपको मसल रिलैक्सेंट वगैरह बताया था, वो मुझे आप एक दिन का टाइम दीजिए, आज मैं स्टडी करता हूँ उसको भी। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मसल रिलैक्स हो गए तो आपकी शुगर उससे भी गिर जानी चाहिए तेजी से। ठीक है, तो क्या नाम है क्या ऐसा हो सकता है कि अल्कोहल वाला चैप्टर ही पूरी तरह क्लोज कर दूं फिर? हाँ, उससे देखते हैं ना कि आपका कितना। अब प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हो ना, अल्कोहल इज स्टिल समथिंग जो कि मेरे को ज्यादा इफेक्टिव लगता है, क्योंकि मेडिसिन जितनी भी होती है वो 4-5 दिन काम करती है, वो होता तो केमिकल ही है, वो 4-5 दिन काम करती है, उसके बाद उल्टा काम करने लग जाती है। और दूसरा मसल जो मैंने पढ़ा हुआ है मोटा मोटा, वो मसल रिलैक्सेंट जो होते हैं वो एडिक्टिव होते हैं, इसको आप टेपर ऑफ कर सकते हो, उसको टेपर ऑफ कैसे करेंगे वो भी देखना पड़ेगा उसको, ये ना होगी एक बीमारी से छूट के दूसरी और लग जाए। एल्कोहल तो लोग छोड़ते हैं, टेपर ऑफ करना, मैंने अपना इसके ऊपर मेरा बहुत मतलब मेरा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, बट ये पढ़ा हुआ है कि आप अल्कोहल टेपर ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज भी 3 पैग इज समथिंग जो कि अगर आप लाइफ बल्ब भी पीते हैं तो मतलब ज्यादा वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। परंतु मेरा टारगेट तो अल्कोहल को कम्प्लीटली बंद करने का है, तो उसको ये प्रमोट करने का मतलब वीडियो डालने का भी पर्पज है कि एक तो बचपन में जो लोग ये सोचते ना कि बाद में बंद कर लेंगे, 15-16 साल मतलब पीना शुरू करते थे स्कूल कॉलेज में, तो वो पेरेंट्स को होना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी का फोन आता है, मैं इसको आज से 3 साल पहले भी बोलता था, लोग कसमें खाते हैं जी हमारा बेटा तो नहीं पीता, अब बाहर जाके कौन क्या करता है, आज की डेट में तो आप 10 साल के बच्चे का भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, सोसाइटी इतना खराब हो चुका है, वो कोई शर्म नहीं करता 10 साल के बच्चे को ड्रिंक ऑफर करते हुए। ऑब्वियसली जो ड्रिंक ऑफर करता है बड़े होते हैं, और शादी ब्याह में जाके हमने भी देखा अपने बच्चों को कि भाई एक से क्या होता है, दो से क्या होता है, वो एक दो की लत लगते लगते ही कांड हो जाता है। वो तो बढ़ जाता है, एडिक्शन होती है ना उसकी, बढ़ जाएगा। मैंने पर्सनली एक पैग नहीं लिया आज तक जिंदगी के अंदर। तो फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि फिर से अल्कोहल शुरू करके प्रॉपर तरीके से इसको क्लोज करें 4-6 महीने में, या डिहाइड्रेशन करके और अल्कोहल पूरी तरह अभी से क्लोज कर दूं? एक मिनट, आप जो अभी ले रहे हो 3 पैग ले रहे हो, और जो आप क्वार्टर लेते थे आपने खुद ही बोला कि आपको 3 पैग में शुरू थोड़ा सा हो जाता है अगर आप उसमें पानी ऐड नहीं करते हैं, तो आई वुड से कि अगर आपको 3 पैग में नींद अच्छी आती है, मसल रिलैक्स होते हैं, तो आप हफ्ता भर करके देखो, क्योंकि अगर आप 1 क्वार्टर से शुरू करोगे तो ज्यादा देर लगेगी और रिस्की भी हो जाएगा। तो अगर आपका 3 पैग में होता है तो पहले एक हफ्ता कोशिश करके देखिए, उसमें अगर 3 पैग होता है तो 3 पैग का मतलब आपका जो क्लोजिंग का टाइम होगा वो भी कम होगा फिर। तो इसलिए 3 से शुरू करिए आप, 3 इज रीजनेबल, हल्का सा शुरू होना चाहिए, डाइजेशन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए और यूरिन खुल के आना चाहिए। तो 3 पैग का क्या फॉर्मूला रहेगा, पैमाना क्या रहेगा? 30 ml 3 30 ml 3, और उसमें 20-25-30 ml से ज्यादा पानी नहीं डालना है।
और हो सके तो नीट ही ले लीजिए, और लेते हुए आप आधा आधा चम्मच करके बहुत धीमे धीमे सिप करें, उसको आधा पौना घंटा लगा के करें, और खाने के साथ लें, खाना भी साथ साथ उसी के ले लें। तो खाने के साथ लेने से ये होगा कि खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अल्टीमेटली आपके खाने को एसिड ने स्टमक एसिड ने डाइजेस्ट करना होता है, तो साथ में एल्कोहल होगा तो इजीली हो जाएगा, और बेसिकली जब आप एल्कोहल छोड़ते हैं तो डाइजेशन ही खराब होता है। ओके, तो 30 ml यानी एक क्वार्टर दो दिन आप, मतलब इट विल बी द चीपेस्ट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी। और उसके बाद आप शुरू के एक पैक को बेशक 10-10 ml हफ्ते में करके खत्म कर दीजिए, तो 3 हफ्ते में तो आप 60 पर पहुंच गए, 60 के बाद 5-5 भी करेंगे तो 12 हफ्ते और लगा लीजिए, 12 हफ्ते इज हाउ मच, 3 महीने और। अब दवा समझ के भी तो लोग वो लेते थे ना पुराने जमाने में, ब्रांडी वगैरह 1-2 चम्मच तो बच्चे। अच्छा, ये जो तलों में जलन महसूस हो रही है मेरे को, कभी तलों में होता है, कभी पैरों की उंगलियों के ऊपर होता है, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, और कभी कभी ऐसा लगता है दोनों पैर में, कभी लगता है किसी एक में, बाएं में कभी दाएं में, ये चक्कर काट रहा है। और इसके लिए मैंने बहुत सारा गूगल देखा था, इसको सभी लोगों ने न्यूरोपैथी पेन ही बताया है। सर शैटिका पेन की एक एक्सरसाइज का वीडियो भेजता हूँ, वो करिए। पर आज भी किसी का फीडबैक आया था, होता यही है कि इसमें क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है, पानी जब भरता है ना तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में हो या कहीं भी हो खराब हो जाता है, तो आपके लोअर लेग्स में शैटिका नर्व होती है जो आपको करती है ब्लड सप्लाई, और वो शैटिका नर्व का इंडिकेशन ही होता है कि पैरों के पीछे होता है या तलों में होगा, तो आप उसकी एक्सरसाइज करें, उस एक्सरसाइज से आपको एक ही मिनट में आराम मिलना शुरू हो जाता है। परंतु प्रॉब्लम यही होता है कि उसको एक्सरसाइज करने के बाद ना किसी को आराम होता है तो वो थोड़ा सा ज्यादा कर देता है, जहां स्ट्रेच ज्यादा कर दिया अंदर से कुछ लीकेज हो गई, लीकेज का मतलब कुछ वेन्स वगैरह डैमेज हो गई, तो वो दर्द वगैरह होती है, फिर आदमी घबरा जाता है एकदम से। तो उसको बिल्कुल भी ये कोशिश ना करें कि वो 1 या 2 दिन में या 4 दिन में ठीक हो जाए, उसको बहुत मतलब आपके काफ मसल्स उसमें स्ट्रेच होते हैं, सिंपल सी एक्सरसाइज है, खड़े होकर ही करना होता है, जिसमें मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, 80 साल का आदमी भी कर सकता है, तो उसको आप लिमिट के अंदर रखिए, अपने काफ मसल्स को ज्यादा स्ट्रेन मत करिए, क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड भी होते हैं, तो उसको आप बस थोड़ा थोड़ा करते रहिए, और अगर मैंने उसमें 1.5 फुट बोला है, 1.5 फुट से भी कम, 1 फुट से ही शुरू कर लीजिए, और मोस्ट लाइकली उसको उससे आपको ये जो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स हो रही है 2-3 दिन में आराम मिल जाएगा। पर अगेन आई विल रिपीट कि उसको रिपीटेशन तो चाहे दिन में 20 बारी कर लें, 30 बारी कर लें, पर उसको उसको खींचिए ज्यादा मत, उसके ऊपर स्ट्रेन ज्यादा मत डालें। तो मैं एल्कोहल वाला टॉपिक शुरू करता हूँ फिर से, जैसे आपने बताया, और बाकी फूड और डिहाइड्रेशन और वाटर इंटेक वैसे ही रखता हूँ। अभी का मेरा ये है, मैं सोचा था कि अभी अगले हफ्ते में दो टाइम फूड का भी आप हाँ दो टाइम का भी करिए, फूड इंटेक को थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि 5 जो आपकी हाइट कितनी है, 5'6" हाँ, तो 5-6 के हिसाब से 3 और 4 रोटी के बीच में रखिए, 5 वाला थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लेंगे ना इंडाइजेशन भी होता है उससे इतना। एक्चुअली क्या है, मेरा तो 3 रोटी से ज्यादा का था ही नहीं, वो कल शाम को पता नहीं क्यों भूख लगी थी, बहुत खा गया। ओके, वो तो कभी नहीं बीच में, तो मैं उसका थ्योरी भी है कि आपको कभी कभी जैसे पानी कम ज्यादा करना ना, वैसे खाना भी कम ज्यादा होना चाहिए, कभी 6 रोटी भी खा लेना चाहिए, कभी 3 भी, कभी 2 भी, तो वो सब मिक्स मैच चलते रहना चाहिए। हाँ, वो कल रात का रेयर कैसे, इतना मेरे को कई साल हो गए खाए हुए। नहीं नहीं, रेयर नहीं रखिए उसको, हफ्ते में 1 दिन तो बढ़ाया करिए, क्योंकि बॉडी को अंदर यूज टू होना चाहिए, आपके इंटरनल ऑर्गेन्स की जो एक्सरसाइज होती है वो खाना कम ज्यादा करने से ही होती है, खाना भी और पानी भी। एक चीज और रिपीट करूंगा, जैसे अभी मैं 3 टाइम मील ले रहा हूँ, और हर मील के साथ जैसे खाने के टाइम ही साथ में 1 गिलास और उससे 1 घंटा पहले 1 गिलास पानी, तो 6 गिलास हो रहा है, और 4-5 दिन बाद मैंने 1 दिन पानी खूब पिया था और उसके अगले दिन फिर से रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, तो एक दिन जिस दिन ज्यादा पानी पी लिया उस दिन भी उसके अगले दिन फिर से ऐसा लगा कि शरीर फिर से ज्यादा पानी का डिमांड कर रहा है, पर उसको मैंने जबरदस्ती कंट्रोल किया, लेकिन थोड़ा सा एक घूंट जैसा लिया बीच में। नहीं, आप देखते पानी को बिल्कुल 0 कर दिया करिए, 0 नहीं करें तो सिर्फ 2 गिलास पर आ जाइए, 4 से भी कम आ जाइए। हाँ हाँ, क्योंकि वो बेसिकली वो टाइम होता है जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को निकाल सकते हैं, जो भी इम्बेलेंस है, जो भी प्रॉब्लम काउजिंग चीजें होती है ना, वो भी बेसिकली एक्सरसाइज है एक वाइटल ऑर्गेन्स की। वाइटल ऑर्गेन्स में मतलब पूरी बॉडी में पानी भरता है, और जब वो निकलता है पूरा पानी, तो उसको पूरी तरह निकालना है ताकि जितनी भी प्रॉब्लमेटिक चीज है वो निकल जाए। तो जिस दिन भी पानी को बढ़ाए उसके बाद बेयर मिनिमम कर लें, चाहे आधा गिलास खाने के साथ पिए या 1 गिलास, और उसके बाद घूट घूट करके तो अगर जरूरत पड़े तो ले लीजिए, पर आप
जो खाने से पहले का है उसको कम कर दीजिए, और खाने के साथ बेशक एक गिलास करिए, पर धीरे धीरे कोशिश करिए कि वो भी पूरा एक गिलास ना जाए, आधा आधा गिलास से काम चल जाए। वो सिर्फ एक ही दिन करना है, उस दिन अच्छे से बॉडी से पानी निकल जाए, उसके बाद नेक्स्ट डे से फिर 6-7 पर आ जाइए। जिस दिन आप पानी बढ़ाएंगे उसके नेक्स्ट डे क्रूशियल है, उस दिन बेयर मिनिमम करिए। यूजली मैं अगर आज से 3-4 साल पहले बात करते तो मैं हमेशा आई यूज टू इंसिस्ट कि जीरो करिए, एक बूंद भी पानी मत लीजिए उसके अगले दिन। उसके बहुत से फायदे होते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां एक ही दिन में ठीक होती हैं। तो आई वोंट इंसिस्ट, थोड़ा सा ले लीजिए, बट थोड़ा सा अदरवाइज भी आपकी कंडीशनिंग की भी जरूरत होती है, तो देखिएगा उसको कैसे करेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा उसको बंद करने का, अगर नहीं हुआ तो एक एक घूंट तो चलेगा। ठीक है, ठीक है भला सर। और खाने के साथ तो ले लीजिए हमेशा, मतलब वो आधा गिलास ले लीजिए नेक्स्ट डे, बट ले लीजिए, खाने के अलावा को घूट घूट करके मैनेज कर लीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ऐसे ही करता हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो,